अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये जो DC 12 वोल्ट का जो फ़ैन होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये जो DC 12 वोल्ट का जो फ़ैन होता है सिंपल, तो आज हम इसका जो ये कार्ड है इसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसका जो कार्ड है वो किस तरह से चेंज किया जाता है। तो इससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो, अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो कार्ड है वो किस तरह से चेंज किया जाता है। ऐसे हो गया जी, ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन कई दोस्तों को इसका पता नहीं होता कि इसका जो ये कार्ड है किस तरह से चेंज किया जाता है। तो बहरहाल, चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका जो कार्ड है वो किस तरह से चेंज किया जाता है। सही हो गया। तो इससे पहले, अब हम क्या करते हैं कि इसको निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, आप लोग ये देखिए। तो ये लॉक खोलनी पड़ेगी हमें, ये जो इसमें लॉकिंग लगी होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली। ठीक हो गया जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉकिंग लगी होती है। तो आप लोगों ने लॉकों को हाथ से इसको मोड़ के ऐसे करना था, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल ही काम है, इतना मुश्किल काम है ही नहीं, ये बहुत ही आसान काम होता है ये। तो ये पिन आप लोगों ने साइड में रख लेनी है। सही हो गया जी। उसके बाद आप लोगों ने इसका जो नट होते हैं वो खोलने होते हैं। तो कहीं कहीं तो हाथों से खुल जाते हैं, अगर नहीं तो फिर आप प्लास से भी खोल सकते हैं इसको। सही हो गया जी। तो ये देख लें, तो ये प्लास से इसके नट खोल दें। ठीक है जी, ये लॉक जो है हमारा बाहर आ चुका है। फिर ये कड़ा जो है ऊपर वाला, ये हमारा बाहर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो कार्ड है वो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो पेचेस लगे हुए हैं दो, इसके अंदर दो नट लगे हुए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये दो नट भी निकाल देते हैं। तो पहले हम ये दो नट निकाल देते हैं। तो ये नट निकाल दिया हमने। सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो कार्ड है ये बाहर निकालता हूँ। सही हो गया जी। तो ये बड़ी आसानी से हमारे पास इसका जो कार्ड है ये बाहर आ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ से जला हुआ है। ठीक हो गया जी। इसकी जो मेन IC है वो जली हुई है, इसकी IC। तो इस वजह से ये जो कार्ड है ये रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो मेन IC है ये जली हुई है। सही हो गया जी। तो बहरहाल, अब क्या करते हैं, इस कार्ड की जगह पर हम दूसरा लगाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पड़ा है कार्ड, तो आज हम ये वाला कार्ड लगाएंगे इसकी साइड पर। तो देखते हैं कि ये किस तरह से लगाया जाएगा। सही हो गया जी। ये बहुत ही आसान होता है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत ही आसान है। यह कनेक्टर आप लोगों ने उतार लेना है। ठीक है जी, ये जो मैंने उतारा हुआ है तो ये आप लोगों ने उतार देना है। और ये जो कनेक्टर होता है हमारा, ये कहाँ पर लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये VCC लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये VCC लगा हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम इसकी जो ये रेड वायर है, ये जो रेड वायर है ये वाली हमारी यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक हो गया जी। ये इस तरह से लगेगा, देखें। तो बहरहाल, मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर लगाता हूँ। ये वैसे भी उल्टा नहीं लगता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि ये कहाँ पर लगेगा। सही हो गया जी। तो बहरहाल, ये मैंने यहाँ पर लगा लिया है। ओके हो गया जी। तो यही मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम यहाँ ये वाला जो कनेक्टर है ये लगाएंगे। तो इसको लगाने से पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला जो कार्ड है इसको हम अंदर डाल देते हैं, इसको हम वापस लगा लेते हैं। वापस लगाने से पहले हम जो इसका जो कवर है इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ मैं। इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो इसका जो कैप है मैंने इसका अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो कैप के ऊपर जो है मैं कार्ड लगा लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कार्ड है, तो ये मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ। तो मैं भी इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ।
और इसके ऊपर जो नट दो पैचेस होते हैं वो मैं लगा लेता हूँ, दो नट लगा लेता हूँ इसके ऊपर जो कि मैंने पहले दो निकाले हुए थे, वही दो नट मैं भी दोबारा लगा लेता हूँ। अगर इसको आप कसें तभी सही है, नहीं कसें तभी सही है, अगर इसको लगाएं तभी सही है, नहीं लगाएं तभी सही है। अगर ये नट वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तभी लगा लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाना चाहते तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैंने ये कार्ड लगा लिया इसके ऊपर, तो अब मैं इस लेड को जो है मैं बंद करता हूँ अभी। ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा वापस लगाने लगा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ये लॉक लगा लेते हैं अभी दोबारा। ये बहुत ही आसान काम होता है, लेकिन ज़्यादातर जो नए इस फील्ड में बंदे आते हैं तो फिर उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता होता। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल जो काम करते हैं उनको तो इस चीज़ का सारा ही पता है, ये इतना बड़ा कोई काम है ही नहीं, यह समझाने जैसा कोई काम था ही नहीं। लेकिन ये है कि फिर जो नए नए बंदे आते हैं तो फिर उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं उनको कुछ भी नहीं पता, जिसको कख भी नहीं पता, तो वो आप ये देख के फिर अपनेपन का घर वाला जो है वो सेट भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो इंशाल्लाह वो भी हम क्लियर करना सिखाएंगे आपको। सही हो गया जी। लेकिन इसके अंदर अभी कोई फॉल्ट नहीं था, इसका कार्ड जला हुआ था, तो इसकी जो मेन आईसी है वो मिलती नहीं है बाज़ार में, तो इस वजह से हमने इसका कार्ड ही चेंज कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि कार्ड भी इतना महंगा नहीं है, तो इसकी मेन आईसी ख़राब थी तो इतनी मेहनत करता भी कोई नहीं है। सही हो गया जी। तो बहरहाल हम क्या करते हैं कि मैंने इसको अभी लगा लिया है, लॉक वगैरह मैंने इसके लगा लिए हैं। सही हो गया जी। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि ये जो वायर है, ये कनेक्टर है, जो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तीन पॉइंट जो है मैंने छोड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये वाली कनेक्टर है यहाँ पर लगेगा, तो ये भी उल्टा सीधा नहीं लगता। ठीक है जी, ये बिल्कुल सीधा ही लगेगा, उल्टा नहीं लगेगा। ठीक हो गया। एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर मैं जैसे इसको अगर यहाँ पर लगाता हूँ ऐसे, अगर ये मेरा पंखा सीधा घूमता है तो ठीक है, अगर मेरा पंखा जो है उल्टा घूमेगा तो मैं क्या करूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वायर है रेड, जो वायर है रेड, ये रेड वाली जो वायर है ये आप लोगों ने ब्लू के ऊपर करनी है, अगर ब्लू वाली जो वायर है वो आप लोगों ने रेड के ऊपर करनी है। ठीक है जी, अगर आपका पंखा उल्टा घूमे तो। ठीक है जी, तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ इसको भी लगा लेता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है, तो मैं क्या करता हूँ इसको भी यहाँ पर लगा लेता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पंखा किस तरह से घूमेगा। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैंने ये सारा कार्ड लगा लिया है, तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये पंखा हमारा किस तरह से घूमता है। अगर ऐसे पंखा हमारा घूमेगा तो हमारा सही है, अगर उल्टा घूमता है तो फिर हम इसकी वायरिंग ही चेंज करेंगे। ठीक हो गया जी। तो चलो अब हम इसको देख लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा पंखा सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये बैटरी की जो वायरें हैं ये दोनों मेरे पास आ रही हैं, तो एक को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और नेगेटिव को मैं यहाँ पर लगाने से पहले मैं इसको उठाता हूँ हाथ में। सही है जी। तो अब देखते हैं ये पंखा किस साइड घूमता है। तो अगर आप यहाँ पर ये देखें तो पंखा जो मेरा है वो उल्टा घूम रहा है। सही है जी। जी तो दोस्तों मैंने इसके जो कनेक्टर है वो सीधे कर लिए है। सही हो गया जी। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोबारा। तो ये जो कनेक्टर है मैंने, ये जो ब्लू है और रेड है ये मैंने दोनों चेंज किए आपस में। सही हो गया जी। जो ब्लैक है वो आपका वही वहाँ पर ही नहीं चाहिए जहाँ पर पहले लगी हुई है। ठीक जी, जो ब्लैक है आपकी वो सेंटर में लगी होती है अमूमन, वो वहाँ पर ही लगी होनी चाहिए, उसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना। ठीक है जी, आप लोगों ने सिर्फ ब्लू और रेड को छेड़ना होता है।
ठीक है जी। और ब्लू और रेड को आप लोगों ने कल्टी मार देनी है, तो आपका पंखा सीधा घूमना शुरू हो जाएगा। अगर वैसे भी अगर आप इसको वायरों को नहीं निकालना चाहते हैं, तभी अगर नहीं निकालें तो वैसे अगर देखें उल्टा घूम रहा है, तो आप लोगों ने इस कनेक्टर को उल्टा करके लगा लेना है। सही हो गया जी, ये भी कर सकते हैं आप। तो बहरहाल मैंने अभी इसका जो कनेक्टर है वो मैंने सीधे कर लिए हैं, तो अब मैं इसको दोबारा चालू करके चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि हमारा फ़ैन जो है वो सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। सही हो गया जी। तो अब मैं इसकी जो वायरिंग है वो मैं लगा लेता हूँ, तो रेड में रेड भी लगा लेता हूँ, ठीक हो गया जी। और इसकी जो ब्लैक है वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ और चालू करके चेक कर लेते हैं। तो ये ब्लैक जो है मैं ब्लैक यहाँ पर लगा लेता हूँ और रेड में यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं चालू करता हूँ, चालू करके चेक कर लेते हैं। सही हो गया जी, अब सीधा घूमना शुरू हो चुका है। तो ये देख लें, अब जो है हमारा फ़ैन जो है, सही हो गया जी। तो अब हमारा जो फ़ैन है वो सीधा घूमना शुरू हो चुका है, ये देख लें। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।